तो आप चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.4 करेंगे, तो इस प्रश्नावली का जो एक सवाल पेपर में आ चुका है तो पहले तो उस सवाल का वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो में इन सवालों को कैसे हल किया जाता है विस्तार से बताया गया है। तो पहले तो वह वीडियो देख लें, और जिनको पता है वह वीडियो को स्किप करके दिए हुए टाइमिंग पर जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो यह पुराना वीडियो देख लें। देखिए 2018 के पेपर के पहले प्रश्न के पांचों खंड तो हो चुके हैं, अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। तो प्रश्न 2 देखिए, कह रहा है 1+3x+5x² + 7x³ को n पदों तक जोड़िए। तो देखिए जो ये हमारे अंक है 1, 3, 5, 7, अगर हम इनको निकाल कर अलग कर लें, 1, 3, 5, 7, ठीक है, ।, ऐसे आगे 9, 11 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये n पदों तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पद हैं ये समांतर श्रेणी में हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का अंतर यानी सर्वांतर 2 है, क्योंकि 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यदि 5 में से 3 घटाएं तब भी 2 बचेगा। और जबकि जो यहाँ पर चर राशि x है, अगर हम इसको बाहर निकाल कर रखें तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो यहाँ पर x की पावर 0 रही होगी, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो x 0 है और x की पावर 1 है और x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 है, फिर x की पावर 4 होगी, इस प्रकार से, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में है। देखिए अगला पद बटे पिछला पद, मतलब एक्स स्क्वायर बटे जब हम एक्स करेंगे तो यहाँ से एक एक्स हमारा कट जाएगा, क्योंकि ऊपर 2x है, नीचे एक एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ एक्स, ठीक है। मतलब हमारा जो इसका सर्वानुपात है वह है एक्स। तो जो हमारे 1, 3, 5, 7 है ये हमारे समांतर श्रेणी में है, और जबकि ये जो चर राशि है यह हमारी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो ऐसी श्रेणी जो समांतर और गुणोत्तर श्रेणी से बनी हो वह समांतरी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। तो इसके पदों का योग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र के माध्यम से देखिए समांतरी गुणोत्तर श्रेणी का जो योग होता है SN बराबर, वह इतना लंबा सूत्र होता है, ठीक है। और दूसरा इसे हल करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इसे हल करके इसका योग ज्ञात कर लें, उसके बाद सूत्र के माध्यम से, क्योंकि इस समांतरी गुणोत्तर श्रेणी को हमें n पदों तक जोड़ना है, इसीलिए हमें nवा पद की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर अनंत तक जोड़ने के लिए कहता तो हमें nवा पद की जरूरत नहीं थी, लेकिन सवाल ने हमसे n पदों तक जोड़ने के लिए कहा है, इसीलिए हमें nवा पद भी चाहिए। तो nवा पद देखिए कैसे निकालते हैं। तो समांतरी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवा पद होता है वह होता है समांतर श्रेणी का nवा पद और गुणे गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद। तो समांतर श्रेणी का nवा पद क्या होता है, a+n-1d, यही तो होता है, और गुणे गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद। तो गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद होता है ar(n-1), ठीक है। तो देखिए समांतर श्रेणी में हमारा 1, 3, 5, 7 है, तो यहाँ से, तो यहाँ a हमारा है 1, क्योंकि पहला पद हमारा 1 है, इसलिए a हमारा हो गया 1, और यहाँ जो इसका इसके बीच में जो अंतर है, मतलब b हमारा यहाँ कितना है, 2 है। तो यही मान इसमें रख दें, 1 की जगह रख दें 1, और प्लस n-1, और d की जगह पर रख दें 2, तो यहाँ पर लिख दें गुणे 2, यहाँ पर गुणे निशान होता है, ठीक है। ये तो हमारा आ गया समांतर श्रेणी का nवा पद, हमने ज्ञात किया भी, ठीक है। और गुणे अब आ जाते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। तो गुणोत्तर श्रेणी इस वक्त हमारे पास है x0, x^1, x^2, x^3 ऐसे .n पदों तक। तो यहाँ हमारा a जो है वह है x^0, और x^0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी में भी a हमारा 1 है, और यहाँ जो हमारा r है, r मतलब सर्वानुपात, x अभी पीछे सीख चुके हो, तो यहाँ पर ये मान रख दें, मतलब a की जगह पर हम 1 रख दें और गुणा r की जगह पर x रख दें, ठीक है, और इसकी पावर लगा दें n-1। अब इसे थोड़ा और हल कर लें, तो ये पहले हम छोटा ब्रैकेट खोल लें, तो 1 तो इधर है ही, और प्लस 2 की गुणा जब हम n से कराएंगे, मतलब ये ब्रैकेट खोलेंगे, और ब्रैकेट खोलने के लिए हमें 2 से दोनों की गुणा करानी पड़ेगी, तो 2 से जब हम n की गुणा कराएंगे तो 2n हो जाएगा, और -2 की गुणा 1 से कराएंगे तो
टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बंद कर लें और गुणे इसमें आ जाएं, x की पावर n माइनस वन को जब हम एक से गुणा कराएंगे तो x की पावर n माइनस वन ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2n तो हमारे पास है ही, और यहाँ पर देखिए प्लस का एक है और यहाँ पर माइनस का दो है, मतलब दो में से एक घट जाएगा और दो माइनस की है इसीलिए माइनस का एक रह जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास है x की पावर n माइनस वन, मतलब इस समांतर गुणोत्तरी श्रेणी का जो nवां पद होगा वह होगा 2n माइनस वन और x की पावर n माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पर लिख दे n पदों तक, तो जहां पर यह n पदों तक लिखा है वहां पर हम यह मान रख दे, तो x जो हमारा है इस x की गुणा हम दोनों पक्षों में करा ले, मतलब इधर भी करा ले और इधर भी करा ले, तो यहां पर लिख दे दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, यहां पर लिख दे इसलिए। अब देखिए जब हम x से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो जब यहाँ x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x और s n। ठीक है, x से गुणा इधर हो गई बराबर। अब हमें इस इन सभी पदों में x से गुणा करानी है, तो जब x की गुणा x से कराएंगे तो x सकम x प्लस, जब x की गुणा 3x से कराएंगे तो 3 और x हमारा ऑलरेडी यहाँ है और एक x से गुणा हम और कराने जा रहे हैं, मतलब x हमारे हो जाएंगे 2। ठीक है, प्लस 5 x यहाँ पर 2 ऑलरेडी है और एक हमने x से गुणा कराई, मतलब x हो गया हमारा 3। प्लस 7 और x हमारे पास 3 है और एक x यह जिससे हमने गुणा कराया तो x हमारे पास हो गए 4। और प्लस .. प्लस, अब देखिए यहाँ पर भी तो हमें x से गुणा करानी होगी, तो इसमें जब हम x से गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 2n माइनस वन और x की पावर n माइनस वन और यहाँ पर हमें x से गुणा भी करानी है, तो देखिए यहाँ पर x की पावर एक तो है ही। ठीक है, हर संख्या की पावर एक होती है। अब देखिए यक्ष यहाँ पर भी है, यक्ष यहाँ पर भी है और गुणे में है, मतलब इसकी घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n माइनस वन और x की पावर, अब देखिए पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर n माइनस वन है, n माइनस वन है और एक पावर यहाँ पर है, मतलब इसे हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का एक है, ये प्लस का एक है, मतलब ये हमारा कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा n, तो यहाँ पर x की पावर बची n, तो यही हम यहाँ लिख दें। अब क्या करेंगे, हम इसमें से हम ये घटा देंगे, तो इसको समीकरण एक डाल दें कि ये समीकरण हमारी एक है और इसको समीकरण दो डाल दें। ठीक है, तो अब क्योंकि समीकरण एक को समीकरण दो से घटाएंगे हम, तो यहाँ पर लिख दें समीकरण एक माइनस समीकरण दो। तो देखिए अब घटाएंगे कैसे, बराबर के इस साइड वाला बराबर के इस साइड में है घटाएंगे और बराबर के उस साइड वाला बराबर के उस साइड में घटाएंगे, तो एस एन में से हमें एक्स एस एन घटाना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एस एन और माइनस ये वाला एक्स एस एन। ठीक है, अब इस साइड में देखिए बराबर लगाएंगे, तो इधर देखिए एक में से तो x घटेगा नहीं, एक में से हम कुछ ना घटाएं और जो इसमें से एक जाति के हैं उनको हम घटा लें, तो देखिए इसकी जाति का यह है, मतलब जैसा यह है वैसा यह है, तो 3x में से x घटा लें तो 2x बचेगा, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटा लें तब 2 बचेगा, मतलब सभी में 2-2 बचता चला जाएगा। मान लेते हैं कि यह श्रेणी हमारी कुछ इस प्रकार से है कि 1, 3, 5, 7, मान लेते हैं कि अंतिम पद हमारा सिर्फ 11 है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अब क्योंकि एक हमें छोड़ना है, एक में से कुछ नहीं घटाना है, तो एक हम यहाँ लिख दें और 3 यहाँ लिख दें, 5 यहाँ पर लिख दें और 7 यहाँ पर लिख दें और 9 यहाँ पर लिख दें और 11 यहाँ पर लिख दें। ठीक है, देखिए इस श्रेणी में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ एक अंक बढ़ा के आगे लिख दिया गया। ठीक है, अब जब हम इसे घटाएंगे तो ये देखिए माइनस का हो जाएगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा और ये भी तो घटेगा, तो एक तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तब 2 बचेगा, 7 में से 5
जाएगा तब दो बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा तब 2 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तब 2 बचेगा, और उधर माइनस का हमारा 11 बचेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास 1 बचेगा और सब कहीं 2-2 रह जाएगा, और लास्ट में जो हमारा nवां पद होगा वह रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 रह जाएगा, और 3x में से जब x घटेगा तो हमारा 2x रह जाएगा, प्लस तो लगाएंगे ही। फिर 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा, तब प्लस का हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह हमारा 2-2 ही बचता चला जाएगा। ठीक है, ये कहां से आया, क्योंकि 7 में से 5 घटेगा 2x क्यूब रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह प्रक्रिया हमारी n पदों तक चलती रहेगी, तो डॉट 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 n पदों तक। अब जैसे इसमें सारे अंक हमारे कट गए थे, सिर्फ लास्ट में nवां पद बचा था, देखिए कट गए थे सारे अंक ना, अब लास्ट में सिर्फ nवां पद बचा था, तो यहाँ पर भी हमारा nवां पद जो है वो यहाँ पर रख दें, वो भी माइनस का, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो यह माइनस का तो रहेगा ही रहेगा। अब ये लिख दें nवां पद जो कि माइनस का रहेगा 2n-1 और एक्स की पावर एन। अब देखिए इस पद में भी SN है और इस पद में भी SN है, तो SN हम कॉमन ले लेंगे, तो जब SN कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, क्योंकि SN अक्कम SN, और माइनस SN यहाँ से हम जब बाहर ही निकाल लिए हैं तो यहाँ पर माइनस का x रह जाएगा। ठीक है, बराबर 1 तो देखिए यहाँ पर है ही, तो 1 और प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x 4 प्लस 2x 5 ऐसे यह n पदों तक है। ठीक है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे यह कहाँ तक होगा, अब n पदों तक नहीं होगा। n पदों तक इसलिए नहीं होगा क्योंकि n पदों तक में 1 भी शामिल था, क्योंकि ये हमारे पद कुल कितने हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जब 6 पद हैं और 1 हम नहीं लेना चाहते हैं इसमें से, अब 1 को हम छोड़ रहे हैं, तो हमारे पास पद सिर्फ रह गए 5। ठीक है, तो कुल मतलब 6 पद थे, 6 में से हमारा 1 पद कम रह गया। ठीक है, तो जो ये हमारे पद हैं, कुल पदों में से 1 कम पड़ गया, मतलब यहाँ पर कुल पद हमारे रह गए n-1 पदों तक। अब देखिए माइनस का 2n-1 और x की पावर n तो है ही, तो वह भी यहाँ पर लिख दें -2n-1 और x की पावर n। अब देखिए इधर s n और 1 माइनस तो है ही, बराबर 1 और प्लस 2। अब देखिए क्योंकि x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अभी पीछे जान चुके हैं कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है, तो जो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग होता है वह होता है a₁ - r की पावर n और अपान 1 - r। ठीक है, ये फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी के योग का। यह फार्मूला जब रखते हैं जब r का मान 1 से छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए a जो हमारा है वह है x, क्योंकि a को हम प्रथम पद कहते हैं, तो यहाँ पर लिखें x और ब्रैकेट फिर 1 - r की पावर n, तो r, तो यहाँ जो n हमारा है वह है n-1, तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 और ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या होना चाहिए, नीचे देखिए हमारे पास है 1 - r, तो यहाँ पर लिखें 1 - r, तो r तो हम जान ही गए हैं कि r जो हमारा है वह है x, तो यहाँ इस r की जगह पर x यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इस r को भी हम x ही लिख दें, तो ये तो जुड़ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2n-1 x की पावर n तो है ही, तो उसको भी लिख दें और x की पावर n। अब यह मंझला ब्रैकेट हटा लें, इस 2 की गुणा अंदर होनी है x से करा लें, तो ये हो जाएगा 2x और ब्रैकेट में है 1 - x की पावर n-1 और अपान 1 - x और -2n। ठीक है, अब देखिए 1 - x गुणे में है, जब इधर आएगा तो सबके बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो सबके बटे कर दीजिए, मतलब Sn बराबर हो जाएगा 1/1 - x, मतलब इसके भी नीचे हो जाएगा 1 - x
और इसके नीचे भी 1-x हो जाएगा, मतलब 1-x सभी पदों के बटे में हो जाएगा। तो प्लस, तो यहाँ पर देखिए 2x और अपान, नीचे देखिए 1- ऑलरेडी है और ये वाला 1-x उठाकर यहाँ रखना भी है, मतलब हम इस चीज को 1-x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बार हो जाएगा इसीलिए हमने स्क्वायर इसका कर दिया। और माइनस, अब फिर यह उठकर इसके नीचे आ जाएगा तो यह हो जाएगा 2n, इसके बटे भी 1-x हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा Sn आ गया। ठीक है, तो सूत्र के माध्यम से देखिए समांतरी गुणोत्तर श्रेणी का जो योग होता है Sn बराबर, वह इतना लंबा सूत्र होता है। ठीक है, मतलब इस फार्मूले में सारे मान रख दिए जाएं तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो रख के देखते हैं। तो देखिए समांतर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का जो सूत्र होता है वह होता है यह, इसमें हमें a की जरूरत पड़ेगी और r की जरूरत पड़ेगी और d की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम इस श्रेणी से a, r और d निकाल लें। तो यहाँ पर जो हमारा a है, a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा a जो है वह है 1, और D हम जान चुके हैं कि D अभी पीछे सीख चुके हैं कि D हमारा समांतर श्रेणी का सर्वांतर होता है, मतलब 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। और R गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात, तो गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पर हमारी, जब हमने R पीछे भी निकाला था तो R का मान आया था X। ठीक है, तो जो A, D और R के मान है वह इस फार्मूले में रख दें। तो बराबर लगाएंगे, A का मान है 1 तो इस 1 की जगह लिखेंगे 1 अपान 1-r और r की जगह पर हम x, तो यहाँ पर लिख दें x। और प्लस d का मान है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और r का मान है x तो यहाँ पर x लिख दें, फिर ब्रैकेट 1-r, r की जगह पर लिखेंगे x तो x की पावर n-1 और ब्रैकेट बंद, अपान नीचे हो जाएगा हमारा 1-r और r की जगह लिखेंगे x और इसका होल स्क्वायर और माइनस मंझला ब्रैकेट और a की जगह पर लिखेंगे 1 और प्लस n की जगह पर n ही रखेंगे और माइनस 1 लिख दें और d की जगह पर लिखेंगे 2, इस तो यहाँ पर 2 और ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट बंद और इधर r की जगह पर लिखेंगे हम x तो लिखेंगे x की पावर n और इसके भी बटे 1-r और r का मान x तो यहाँ पर लिख देंगे x। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट क्योंकि खुल जाएगा तो इस ब्रैकेट को खोलकर हल कर लें, तो देखिए ये चीज वैसी की वैसी रहेगी और माइनस, अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे 1+n-1 और इनटू 2 को जब हम हल करेंगे ये तो इधर है ही, देखिए ये सिर्फ हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये देखिए 1 तो 1 है रहेगा ही रहेगा और इस 2 की गुणा इसमें हो जाएगी तो 2 की गुणा जब इसमें n से कराएंगे तो 2n हो जाएगा और माइनस का 2 अक्कम 2, मतलब यह देखिए 2n हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 1-2 है, मतलब 1 में से 2 घटेगा नहीं तो 2 में से 1 घटा लीजिए और 2 में से घटाएंगे तो 2 माइनस का है इसलिए माइनस का है चिन्ह रखना पड़ेगा तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, मतलब जब हम ब्रैकेट वाला हल करेंगे तो 2n-1 रहेगा और बाहर x की पावर n तो है ही, तो यहाँ पर लिख दे 2n-1 और x की पावर n और अपान में हमारा है 1-x। ठीक है, तो देखिए जो हल करने पर Sn हमारा आया है वही जब फार्मूले के माध्यम से इसे हल किया गया तब भी Sn हमारा उतना ही आया है। ठीक है, सूत्र के माध्यम से आंसर हमारा तुरंत आ गया। ठीक है, तो इनमें से जो आपको अच्छी विधि लगे वह यूज कर सकते हैं, चाहे तो सूत्र के माध्यम से अथवा हल करके। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि nवां पद मालूम करो और n पदों तक जोड़ो, तो nवां पद कैसे मालूम करते हैं अभी पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो चूंकि यह समांतरी गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें 1, 2, 3, ... यह है समांतर श्रेणी में और x0, x
कॉमा एक्स की घात 2 कॉमा एक्स की घात 3 इस प्रकार से यह है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें ए हमारे पास है 1 और जो डी है वह भी है 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, और जबकि इसमें जो ए हमारे पास है वह भी 1 ही है क्योंकि एक्स की घात 0 का मान 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स की घात 0 हम रख सकते हैं क्योंकि एक्स की घात 0 का मान 1 होता है। और यहाँ से जब हम आर निकालेंगे तो आर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स, मतलब एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का एनवा पद और गुणे गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद। ठीक है, अभी पीछे सीख चुके हैं। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, और इंटू गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, ए आर एन माइनस वन। अब इसमें मान रखने से हमें एनवा पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ए हमारे पास है 1 और प्लस एन माइनस वन और डी की जगह पर 1 रखना है, गुणे इस ए की जगह 1 और आर की जगह एक्स रखना है, तो आर की जगह एक्स रख दे और एन माइनस वन। अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन माइनस वन, क्योंकि एक की गुणा दोनों से कराएंगे तो एन माइनस वन ही आ जाएगा, और इधर x की गुणा जब एक से कराएंगे तो यह x की घात n माइनस वन ही रह जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए प्लस का एक है माइनस का एक है कट जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ n, तो n, और इधर बचा x की घात n माइनस वन। तो इस श्रेणी का जो एनवा पद है वह है n इंटू एक्स की घात n माइनस वन, तो एक आंसर तो हमारा यह आ गया। ठीक है, अब चूंकि हमें n पदों तक जोड़ना भी है तो यह एनवा पद काम आएगा। ठीक है, तो चूंकि इसे हमें n पदों तक जोड़ना है इसलिए लिखेंगे एस एन बराबर 1 प्लस, अब चूंकि हमें n पदों तक जोड़ना है तो nवां पद हमारे पास कितना आया है, n x की घात n माइनस 1, तो प्लस, जो कि समीकरण हो जाएगी 1। फिर क्या करते हैं, जो हमारा सार्वानुपात आता है उसकी गुणा दोनों पक्षों में करा देते हैं, तो चूंकि सार्वानुपात मतलब r जो हमारा है वह है x, तो दोनों पक्षों में हम x से गुणा कराएंगे, तो यह हो जाएगा x s n बराबर, तो चूंकि बाद में हमें इसमें से हमें यह समीकरण 2 घटानी होगी और यह एक अंक हमें छोड़ना होता है, तो इस अंक के नीचे कुछ ना लिखें, तो इस दाएं पक्ष में हमें एक अंक खिसकाकर लिखना होगा, तो इस एक में जब हम x से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा x, इसके नीचे लिख दें x। ठीक है, और फिर जब हम इसमें x से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, और जब इसमें x से गुणा कराएंगे तो चूंकि यह x की घात n माइनस वन है और इसमें x की घात 1 से गुणा भी करानी है, तो क्या हो जाएगा, चूंकि आधार बराबर है मतलब x की घात यह हो जाएगा n माइनस वन और प्लस वन, तो यहाँ से एक एक कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा x की घात n, तो यहाँ पर लिख दें n x की घात n। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें, तो यहाँ पर लिखें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो बाएं पक्ष को हम इधर घटा लें और दाएं पक्ष को उधर घटा लें, तो इधर हो जाएगा एस एन माइनस एक्स एस एन बराबर, इधर एक आ जाएगा और 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा x, फिर प्लस 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 1x स्क्वायर, फिर प्लस, यह प्रक्रिया n पदों तक चलती रहेगी, और जो यह लास्ट का पद है चूंकि हमें इसे घटाना है इसलिए यह माइनस का हो जाएगा n x की घात n। ठीक है, कैसे होगा अभी पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। फिर देखिए यहाँ से हम एस एन कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा हमारे पास 1, यहाँ पर 1 बचेगा और माइनस इधर बचेगा x। अब चूंकि यह जो श्रेणी है यह है गुणोत्तर श्रेणी में और जिसे हमें जोड़ना है, और गुणोत्तर श्रेणी के पदों के योग का सूत्र क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r की घात n अपान 1 माइनस r, तो यहाँ जो a है वह है 1 क्योंकि a होता है पहला पद, इंटू 1 माइनस r, r तो r यहाँ पर है x क्योंकि जो सार्वानुपात है वह x ही है, की घात n क्योंकि हमें n पदों तक जोड़ना है, और अपान में 1 माइनस r मतलब अपान में हो जाएगा 1 माइनस x, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो जुड़ गया, अब माइनस का हमारे पास n x n बचा है, तो माइनस n x n,
तो चूंकि हमें एस एन चाहिए इसलिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा, जो यह 1 माइनस एक्स गुणे में है इधर आएगा तो सबके बटे में हो जाएगा। तो यहाँ एक की गुणा इतने में कराएंगे तो यह इतने का इतना ही रहेगा, मतलब 1 माइनस एक्स की घात एन, और अपान में 1 माइनस एक्स है यहाँ पर ऑलरेडी, और यह उठकर नीचे आएगा बटे में, मतलब 1 माइनस एक्स गुणे 1 माइनस एक्स हो जाएगा नीचे। तो इसको हम डायरेक्ट 1 माइनस एक्स की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस एन एक्स की घात एन, और जो यह 1 माइनस एक्स उठकर इधर आएगा तो इसके भी नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। यह जो 1 माइनस एक्स है यह दोनों के नीचे आएगा, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, तो यह हो जाएगा एस एन, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए, यदि हम इसको समांतरी गुणोत्तर श्रेणी के योगफल के सूत्र से यदि हम इसको हल करें तब भी हमारा योगफल उतना ही आएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो देखिए, एक का मान यहाँ पर एक है, अपान 1 माइनस आर की जगह एक्स है, फिर प्लस डी का मान एक है और आर का मान एक्स है, और 1 माइनस आर की जगह एक्स एन माइनस 1 अपान 1 माइनस आर की जगह एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए की जगह पर एक रखेंगे और प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह एक और इंटू आर की जगह एक्स और एन और अपान में 1 माइनस आर, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स वन जा एक्स और इंटू में 1 माइनस एक्स की घात एन माइनस 1 और अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस, इधर यह जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन माइनस 1 की गुणा एक से कराएंगे तो इतना ही आ जाएगा, और इंटू में है एक्स की घात एन अपान 1 माइनस आर। अब जब इस और इस पद को जोड़ेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब चूंकि इधर 1 माइनस एक्स ऑलरेडी था, ठीक है, एक ही है और हमें लाना है नीचे 2, तो 1 माइनस एक्स के ऊपर गुणा हो जाएगी, प्लस यह ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स वन जा एक्स और माइनस एक्स की गुणा जब इसमें कराएंगे तो चूंकि यहाँ पर एक्स की घात एक है और यहाँ पर एक्स की घात एन माइनस 1 है तो एक घात कट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा एक्स की घात एन और माइनस माइनस का एक प्लस का एक कट जाएगा तो इधर बचेगा एन और एक्स की घात एन अपान 1 माइनस एक्स, और यहाँ से प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स की घात एन अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस यह। तो सूत्र से भी उतना ही हमारा आंसर आया है, लेकिन इस सूत्र का यूज इस बुक में नहीं किया गया है क्योंकि यह सूत्र 12वीं क्लास में यूज होता है, इसलिए इसमें ना यूज करें तब भी कोई बात नहीं। अब इस दूसरे सवाल में एनवा पद क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारे पास है 1 प्लस एन माइनस 1 और डी है 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, तो डी का मान है 3 और ए की जगह 1 इंटू आर का मान एक्स स्क्वायर बटे एक्स करेंगे तो एक्स ही आएगा, तो एक्स हो जाएगा आर एन माइनस 1। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3n और माइनस 3 और इधर एक्स की गुणा एक्स से कराएंगे तो एक्स ही आएगा एन माइनस 1। तो यहाँ 3n और माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो यह रह जाएगा माइनस का 2 और इंटू में एक्स की घात एन माइनस 1। तो यह आ गया एनवा पद और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो एनवा पद तो आ गया, अब इसको हमें जोड़ना है तो चाहे तो सूत्र से जोड़ लें अथवा विधि से जोड़ लें। तो सूत्र का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि इस बुक में सूत्र का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, तो हम विधि से ही इसको हल करेंगे। तो इसमें भी लिखेंगे एस एन बराबर 1 प्लस और प्लस लास्ट में एनवा पद रख देंगे तो यह समीकरण हो जाएगी 1। अब चूंकि सार्वानुपात इसमें भी x है इसलिए दोनों पक्षों में हम x से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा x s n बराबर x वन जा x और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, इसमें जब x से गुणा कराएंगे तो फिर यह जो माइनस की घात 1 है यह हट जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 3n माइनस 2 और इंटू एक्स की घात n।
तो यह समीकरण हो जाएगी दो। अब समीकरण एक में से समीकरण दो घटा लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एस एन माइनस एक्स एस एन बराबर यहाँ वन प्लस फोर एक्स में से एक्स घटाएंगे थ्री एक्स बचेगा, फिर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर में से फोर एक्स स्क्वायर घटाएंगे थ्री एक्स स्क्वायर रह जाएगा, फिर टेन में से सेवन माइनस करेंगे तो थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहेगी कहां तक, n पदों तक, ठीक है, तो यहां पर n पदों तक, ठीक है। अब हम जानते हैं जो घटा रहे हैं तो यह माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर माइनस थ्री एन माइनस टू इंटू एक्स की घात n। अब देखिए चूंकि यहां तो गुणोत्तर श्रेणी में है लेकिन एक जो है यह गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है, तो इस एक को हम अलग कर लें और प्लस यहां से हम थ्री कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम थ्री कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यह कहां तक रह गया, अब यह सिर्फ रह गया हमारा एन माइनस वन पदों तक ही, ठीक है, और स्टार्टिंग में जान भी चुके हैं कि कैसे रह जाएगा एन माइनस वन, और माइनस इधर यह जो रह गया है वह लिख दें, फिर वन प्लस थ्री इंटू, अब चूंकि यह गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे इस वाले सूत्र का यूज करके ए इंटू वन माइनस आर की घात एन अपान वन माइनस आर से, तो ए हमारे पास है एक्स, तो एक्स इंटू वन माइनस आर, आर हमारे पास एक्स ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और जिसकी घात हमें रखनी है एन, तो एन यहाँ पर है एन माइनस वन, और अपान में वन माइनस आर मतलब यह हो जाएगा वन माइनस एक्स, और माइनस में इधर हमारे पास है थ्री एन माइनस टू इंटू एक्स की घात एन। अब इसको हल कर लें, तो यहाँ पर हल कर ले रहे हैं, अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हम एस एन फिर कॉमन ले सकते हैं, तो एस एन जब कॉमन लेंगे तो बचेगा वन माइनस एक्स बराबर इधर वन प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो थ्री की गुणा एक्स में हो जाएगी, तो यह हो जाएगा थ्री एक्स और इंटू वन माइनस एक्स की घात एन माइनस वन और अपान में वन माइनस एक्स और माइनस। अब जो यह वन माइनस एक्स है यह उठाकर हम सबके बटे में कर दें तो क्या इधर रह जाएगा एस एन बराबर वन अपान वन माइनस एक्स फिर प्लस थ्री एक्स इंटू वन माइनस एक्स की घात एन माइनस वन और अपान में वन माइनस एक्स यहाँ ऑलरेडी है और इसे उठाकर हमें यहाँ लाना भी बटे में है, तो यह हो जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसके भी बटे में यह वन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर हमारा यह भी है, और यदि आंसर शीट का उत्तर लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, जिसका हर यह वन माइनस एक्स है इनको हम एक पास कर लें, मतलब इनको जोड़ घटा लें, ठीक है। तो वन माइनस एक्स तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इसके भी नीचे वन माइनस एक्स है, इसके भी नीचे वन माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट यह घट जाएगा, वन माइनस यह वाला अंश रख दें यहां पर और प्लस थ्री एक्स यह वाला, तो यह आ जाएगा एस एन और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस तीसरे सवाल में तेरहवां पद क्या हो जाएगा से, यहाँ पर जो यह पॉइंट लगाया पॉइंट दशमलव नहीं है, यह गुणा है, ठीक है, मतलब यह दो पॉइंट तीन नहीं है, दो गुणे तीन है, तीन गुणे तीन एक घात दो है, चार गुणे तीन एक घात तीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है वह है एक और प्लस एन माइनस वन और d का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में एक दो तीन चार इस प्रकार से है, तो यहाँ से तीन में से दो घटाएंगे एक बचेगा, तो d का मान आ जाएगा एक और इंटू एक, एक की जगह एक और इंटू r का मान क्या हो जाएगा थ्री स्क्वायर बटे, जब थ्री करेंगे तो नौ बटा तीन हो जाएगा, तीन तिहाई नौ, तो r आ जाएगा तीन, मतलब यह हो जाएगा तीन की घात n माइनस वन। हम अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन और इंटू इधर हो जाएगा तीन की घात n माइनस वन, तो यहाँ से एक एक कट जाएगा तो क्या बचेगा n इंटू थ्री की घात n माइनस वन, तो यह आ गया nवां पद। तो एक आंसर तो हमारा यह आ गया। अब हमें sn पता करना होगा, यहाँ पर लिखे sn बराबर और प्लस लास्ट में यह एनवा पद रख दें।
अब चूंकि यहाँ पर जो सर्वानुपात है वह है 3, तो हम दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3SN = 3 / 3 प्लस इसमें जब 3 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 2 × 3^2, फिर प्लस इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 × 3^3 और प्लस ... प्लस इसमें जब गुणा कराएंगे 3 से तो यह हो जाएगा N × 3^3, क्योंकि यहाँ पर 1 हमें प्लस करना है इसलिए यह माइनस का 1 कट जाएगा तो बचेगा 3^n, तो यह समीकरण हो जाएगी 2। तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लें तो क्या हो जाएगा SN − 3SN = 1 प्लस, तो यहाँ अब देखिए यहाँ पर 3^1 है, यहाँ पर भी 3^1 है, ठीक है, और गुणे में यहाँ पर 2 है तो हम गुणे में यहाँ पर 1 मान सकते हैं, ठीक है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो यह बचेगा 1, मतलब 3^1, ठीक है, तो घात 1 ना लिखे, फिर प्लस यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे फिर 1 बचेगा तो 3^3 हो जाएगी 2, फिर प्लस फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो यह भी हो जाएगा 3^3, ठीक है, और प्लस ... यह प्रक्रिया कहाँ तक चलेगी, n पदों तक, और हम जानते हैं कि इसे माइनस में लिखते हैं तो −n × 3^n, अब यहाँ से हम Sn कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 − 3 = अब चूंकि जो ये पद दिए हुए हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है a × 1 − r^(n/1 − r, ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वह है 1, तो यहाँ पर 1 × 1 − r, r का मान यहाँ पर है 3, ठीक है, क्योंकि जो सर्वानुपात है इस श्रेणी का वह है 3, ठीक है, और जिसकी घात हमें करनी है n, और अपान 1 माइनस r, तो फिर यहाँ पर r की जगह पर 3 रख देंगे, ठीक है, और माइनस में इधर है तो इधर बचेगा Sn, अब चूंकि 1 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2, और जिसे हमें सबके बटे में लाना है तो इधर हो जाएगा 1 − 3^n/, चूंकि यहाँ पर भी माइनस का 2 है और यह जो माइनस का 2 बचा है इधर आएगा तो यह भी गुणे में हो जाएगा, ठीक है, और −n × 3n/−2, जो यहाँ पर है यह माइनस का 2, ठीक है, बटे में हो जाएगा। अब आगे हल करने के लिए इसे हटाए दे रहे हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा SN − 1 − 3^n/(2 × 4 − − +4) हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो डायरेक्ट माइनस माइनस हम यहाँ पर प्लस कर सकते हैं n × 3^n/(2), ठीक है, अब हम एलसीएम लेकर इसे जोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एलसीएम, तो इधर हो जाएगा 1 − 3n और प्लस चूंकि यहाँ पर हमें 4 लाना है तो 2 से गुणा कराना पड़ेगा तो हो जाएगा 2n × 3n। अब देखिए चूंकि यहाँ पर 3^n है और यहाँ पर भी 3^n है, ठीक है, तो हम 3^n कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम 3^n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो बचेगा 2n+, ठीक है, तो 2n+ और यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा क्योंकि हमने 3n तो बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर 1 बचेगा तो माइनस का 1, और यह 1 अभी हमारे पास बचा है, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था तो इस 1 को हम प्लस में इधर रख दें, ठीक है, और बटे में हमारे पास है 4, तो यह आ गया Sn, और चाहे तो जो यह 3n है यह हम इधर रख सकते हैं और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस चौथे सवाल का nवां पद ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें इस सारणी को इस प्रकार से लिखना होगा 1 + 2 × 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 + 2/3 यह पुनः फिर उतना ही हो जाएगा, ठीक है, तो इस गुणे को हटाकर यहाँ पर हम इस प्रकार से डॉट लगा सकते हैं, ठीक है, और फिर प्लस 3 × 1/3^2, या हम यह स्क्वायर यहाँ पर ना लगाकर सबका होल स्क्वायर कर दें, और फिर प्लस 4 × 1/3 का होल
क्यूब कर सकते हैं और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यह भी समांतरी गुणोत्तर श्रेणी ही है, क्योंकि यहाँ पर समांतर श्रेणी में 1, 2, 3, 4 है, और जबकि समांतर श्रेणी में 1/3, 1/3 के घात 2, 1/3 के घात 3 है। तब यहाँ से नवा पद बराबर क्या हो जाएगा? अब इसमें जब हम मान रखेंगे तो a का मान है 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान यदि 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो d का मान आ जाएगा 1 और इंटू a का मान 1 इंटू r का मान, देखिए यदि हम 1/3 का होल स्क्वायर बटा 1/3 करेंगे तो इससे यह स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1/3। तो इस r की जगह पर 1/3 लिख सकते हैं और जिसकी घात है n माइनस 1। अब ब्रैकेट खोलकर इसे जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू 1/3 की घात n माइनस 1। तो यहाँ से 1-1 कट जाएगा तो बचेगा n इंटू 1/3 की घात n माइनस 1। और चाहे तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n अपान 3 की घात n माइनस 1। ठीक है, कैसे? क्योंकि हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, n गुणे 1 की घात n माइनस 1 रहेगा, क्योंकि यह n माइनस 1 1 पर भी है 3 पर भी है, और अपान 3 की घात n माइनस 1। तो यहाँ से 1 की घात कितनी भी हो उसका मान 1 ही आएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसे 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, और n अक्कम n हो जाएगा, मतलब इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह आ गया nवां पद, तो एक आंसर तो हमारा यह आ गया। अब हम इसका SN पता कर लें, तो लिखेंगे SN बराबर और प्लस लास्ट में यह nवां पद रख दें जो कि है n अपान 3 n की घात 1। अब चूंकि यहाँ पर जो सार्वानुपात है वह है 1/3, इसलिए हम दोनों पक्षों में 1/3 से गुणा कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/3 SN बराबर, इधर क्या हो जाएगा जब 1 की गुणा 1/3 से कराएंगे तो यह आएगा 1/3 अक्कम 1/3 और प्लस, तो यह तो हो गई 1 में गुणा 1/3 की। अब हमें 2 × 1/3 में करानी है, तो यह हो जाएगा 2 × 1/3 की घात 2 और प्लस 3 × 1/3 की घात 3, क्योंकि 1/3 घात 2 ऑलरेडी है और 1/3 से हमें गुणा भी कराने है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 की घात 3 और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। और इधर जब हम n अपान 3 n माइनस 1 की गुणा 1/3 से कराएंगे, तो चूंकि यहाँ पर 3 की घात n माइनस 1 है और यहाँ पर हमें 1/3 से गुणा करानी है, मतलब यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो यह प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n अपान 3 की घात n, तो यह समीकरण हो जाएगी 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा एस एन माइनस 1/3 एस एन बराबर, यह 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा और प्लस यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ है 2 और तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, तो यह 1/3 ही रह जाएगा, फिर प्लस 3 में से हमें 2 घटाना है तो बचेगा 1, तो यह सीधे सीधे हम लिख दें 1/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 का होल क्यूब, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तब भी 1 बचेगा। ठीक है, मतलब यह प्रक्रिया n पदों तक इस प्रकार से चलती रहेगी, तो यहाँ पर लिख दें प्लस n पदों तक, और हम जानते हैं कि यह माइनस का nवां पद हो जाएगा, तो माइनस n अपान 3 की घात n। अब यहाँ से हम एस एन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1/3 बराबर, अब चूंकि ये जो हमारी सीरीज है यह है गुणोत्तर श्रेणी में, क्योंकि 1/3/1 करेंगे तब 1/3 आएगा, 1/3 का होल स्क्वायर बटा 1/3 करेंगे तब भी 1/3 ही आएगा, तो यहाँ पर जो r है वह है 1/3, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है a इंटू, अब इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे तो 1 का मान है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 और फिर इंटू में 1 माइनस r और r का मान है 1/3, तो चूंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट आ गया है तो इसको हम मंझले ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट में रख दें। ठीक है, और अपान 1 माइनस r, तो इस r की जगह पर 1/3
3 रखेंगे और माइनस में है n अपान 3 की घात n। अब जब हम इसे हल करेंगे तो इधर है एस एन और 1 माइनस 1/3, मतलब 1 में से हमें 1/3 घटाना है, तो 3 हो जाएगा एलसीएम, तो 3 1 3 - 1, तो यह आएगा 2/3। तो यहाँ पर लिख दे 2/3 और बराबर इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 की घात n और अपान में क्या हो जाएगा, अभी जब हमने 1 माइनस 1/3 को हल किया तो आया 2/3, तो यहाँ पर हम लिख दें डायरेक्ट 2/3 इसकी जगह पर, ठीक है, और माइनस n अपान 3 की घात n। अब पहले इसे हम हल कर लें इधर ही, बाद में यहाँ जो 2/3 है इसको उठाकर इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ बटे में 3 है तो यहाँ तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यह इस प्रकार से हो जाएगा 3 × 1 - 1/3 की घात n और बटे में यह 2 रहेगा और माइनस इधर है n अपान 3 की घात n। अब यहाँ से जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा और 3 की गुणा हमें करानी है 1/3 की घात n में, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × यह जो घात n है यह 1 पर भी है 3 पर भी है, मतलब यह हो जाएगा 1/3 की घात, और चाहे तो इस 3 की घात जो n है इसको ऊपर लेके आएंगे तो यह हो जाएगा 3 की घात माइनस का n हो जाएगा ना। अब चूंकि आधार बराबर है इसलिए घातें जुड़ घट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 3 की घात, यहाँ पर घात है 1 और यहाँ पर घात है माइनस का n, तो यह हो जाएगा 3 × 1 - n। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 - 3 × 1 - n और अपान में है 2 और माइनस n अपान 3 × n। अब इस पद में अपान में है 2 और इस पद में अपान में है 3 × n, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 3 × n, तो यह तो हुआ एलसीएम। तो चूंकि हमने एलसीएम डायरेक्ट गुणा करा कर लिया है इसलिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है, तो 3 × n की गुणा जब 3 में कराएंगे तो 3 × 3 × n इस प्रकार से कराएंगे तो यह हो जाएगा 3 × n + 1, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पर 3 घात है n और यहाँ पर है 3 घात 1, ठीक है, तो यह हो जाएगा 3 × n + 1, तो यहाँ पर लिख दें 3 × n + 1। और फिर अब हमें 3 × n की गुणा 3 × 1 - n में करानी है 3 × n से, तो इस बार भी हर बराबर है तो क्या हो जाएगा 3 यहाँ से n, n कट जाएगा जब हम इन दोनों घातों को जोड़ेंगे, तो बचेगा 3 × 1 या हम इसे डायरेक्ट 3 ही लिख सकते हैं, ठीक है, तो माइनस 3 और फिर इस 2 की गुणा अब हमें n में करानी होगी तो यह हो जाएगा माइनस का 2n। अब जो यह गुणे में 2/3 है इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा सिर्फ एस एन बराबर, जब हम इसको उठाकर इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा गुणे में 2/3। तो अंश में जो है वह ज्यों का त्यों रखें, अपान अपान में देखिए 2 × 2 में कराएंगे तो 2 × 2 हो जाएगा 4 और इंटू 3 × n है, 3 घात देखिए n तो हमारे पास है ही, अब जो यहाँ बटे में 3 है क्योंकि यहाँ पर 3 घात 1 रही होगी, ठीक है, तो हम इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा 3 × -1, क्योंकि यहाँ दोनों में आधार बराबर है और गुणे में है तो 3 घात क्या हो जाएगी, इन घातों को हम जोड़ घटा लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3 घात n अपान 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 घात n - 1, ठीक है, तो यह आ गया SN और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो यह श्रेणी दी हुई है इस श्रेणी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1+3 और गुणे माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 है और देखिए जब हम 3 × -1 से कराएंगे तो यह पुनः माइनस का 3 फिर हो जाएगा, ठीक है, फिर +5 × यहाँ पर हम माइनस का 1 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 ही आ जाएगा, तो 5 + 1 + 5 ही आ जाएगा, फिर इस माइनस की जगह प्लस कर दें 7 × -1 की घात
तीन कर सकते हैं, क्योंकि एक को तीन बार गुणा कराएंगे तो माइनस का एक आ जाएगा और माइनस के एक की गुणा जब सात से कराएंगे तो माइनस का सात ही हो जाएगा, ठीक है। और डॉट 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 हम इसी प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो एक तीन पाँच सात है यह है समांतर श्रेणी में, और जो यह माइनस का एक की घात दो माइनस का एक की घात तीन यह जो है यह है गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ से एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, अब हम इसमें एक की जगह पर एक और एन माइनस वन और डी की जगह पर हमें कितना रखना होगा, पांच में से तीन घटाएंगे दो बचेगा या तीन में से एक घटाएंगे तब भी दो बचेगा, तो डी का मान आ जाएगा दो और इंटू ए की जगह एक और आर का मान यहां से कितना हो जाएगा, देखिए जब माइनस का एक का स्क्वायर बटे में करेंगे हम माइनस का एक तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आ जाएगा, ठीक है। चूंकि माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा एक और बटे में है माइनस का एक तो एक बटे एक बराबर एक ही आएगा और माइनस एक है इसलिए माइनस का एक आएगा, तो आर जो हमारे पास है वह है माइनस का एक और जिसकी घात है एन माइनस वन। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू एन माइनस टू वन जा टू और इंटू इधर क्या हो जाएगा माइनस का एक की घात एन माइनस वन, तो यहां से क्या हो जाएगा टू एन माइनस का टू प्लस का वन माइनस का वन रह जाएगा और इंटू में इधर है माइनस का एक की घात एन माइनस वन, तो यह तो आया एनवा पद। तो एनवे पद का तो आंसर आ गया है, अब हमें इस श्रेणी को एन पदों तक जोड़ना है, तो चूंकि हमें एनवा पद की जरूरत पड़ेगी इसलिए इसे पड़ा रहने दें और इसे हटा दें। तो चूंकि हमें एन पदों तक जोड़ना है इसलिए यहाँ पर लिख दें एस एन बराबर यहाँ पर हमें एनवा पद लिखना होगा, तो एनवा पद जो यह आया है वही यहाँ पर रख दें और इसे समीकरण डाल दें एक। अब चूंकि यहाँ पर जो सार्वानुपात आया है वह माइनस का एक आया है तो अब हम दोनों पक्षों में सार्वानुपात माइनस के एक से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों में सार्वानुपात माइनस का एक से गुणा कराने पर, अब दोनों पक्षों में सार्वानुपात माइनस के एक से जब गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का एक गुणे एस एन बराबर, इसमें जब एक से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा एक गुणे माइनस का एक और फिर प्लस, इसमें जब हम माइनस के एक से गुणा कराएंगे तो तीन गुणे माइनस का एक का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का एक यहाँ पर ऑलरेडी है और माइनस के एक से गुणा भी कराना है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, फिर प्लस फाइव इंटू माइनस का एक की घात दो और एक यहाँ माइनस के एक से गुणा कराना है तो यह हो जाएगा यह घात हो जाएगी तीन और फिर प्लस सेवन इंटू माइनस के एक की घात हो जाएगी चार और प्लस डॉट 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 और यहाँ जो यह माइनस का एक है यह हट जाता है यह तो जान चुके हैं, तो प्लस टू एन माइनस वन और इंटू माइनस का एक की घात एन हो जाएगी, ठीक है। तो यह समीकरण हो जाएगी दो। अब समीकरण एक में से समीकरण दो घटा दें तो क्या हो जाएगा एस एन माइनस माइनस, अब चूंकि हमें घटाना है तो माइनस लगाया और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है इसलिए माइनस माइनस यहाँ पर हम प्लस कर सकते हैं एस एन, ठीक है, बराबर। तो यह तो हम पहला पद तो छोड़ देंगे तो हो जाएगा वन प्लस, अब देखिए तीन में से एक घटाएंगे तो बचेगा दो और इंटू में रहेगा माइनस का एक, फिर प्लस पांच में से तीन घटाएंगे बचेगा दो और इंटू में हो जाएगा माइनस का एक की घात दो, फिर प्लस सात में से पांच घटाएंगे बचेगा दो और इंटू में हो जाएगा माइनस एक की घात तीन, प्लस डॉट डॉट डॉट, यह ऐसे ही इन पदों तक चलता रहेगा और हम जानते हैं कि यह माइनस में रखा जाता है तो माइनस 2n माइनस वन और इंटू माइनस का एक की घात n, तो एस एन और एस एन हो जाएगा 2sn बराबर 1 प्लस, अब देखिए सभी पदों में दो है, ठीक है, तो दो हम कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा माइनस का एक प्लस माइनस का एक की घात दो प्लस माइनस का एक की घात तीन प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक, अब चूंकि एक पद बाहर निकाल लिया गया है, ठीक है, इसलिए एक पद कम पड़ गया तो यह रह गया एन माइनस वन पदों तक, ठीक है। अब आगे हल करने के लिए इसे हम हटाए दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा टू एस एन बराबर वन प्लस,
अब चूंकि जो यह बड़े ब्रैकेट के अंदर है यह है गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी में यहाँ पर जो ए है वह है माइनस का एक और जो आर है वह भी है माइनस का एक। तो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग का सूत्र क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर की घात एन अपान वन माइनस आर। और जो यह माइनस का बचा है यह यहाँ पर रख दें, 2n माइनस वन और इंटू माइनस का एक की घात n। तो क्या हो जाएगा, इस एक की जगह पर हमें माइनस का एक रखना है, तो यहाँ पर रख दें माइनस का एक और r की जगह पर रखना है माइनस का एक और यहाँ पर भी r है तो इसकी जगह पर भी रख दें माइनस का एक और माइनस का nवां पद तो इधर रहेगा ही रहेगा। अब इधर देखिए चूंकि यह प्लस का एक है यह माइनस का एक है तो इसको हम इस प्रकार से हल करेंगे, एक माइनस माइनस प्लस का एक, तो एक एक हो जाएगा दो, तो इस दो से यह दो कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, वन वन प्लस, अब यह दो तो रह नहीं गया तो हमारे पास यहाँ बचा माइनस का एक और मंझले ब्रैकेट में बचा वन माइनस माइनस एक की घात एन माइनस वन और बटे में जो एक एक दो यह आया था यह तो कट गया और माइनस इधर यह नवा पद, फिर वन प्लस, अब यह ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक की गुणा एक से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक। तो प्लस माइनस सीधे हम यहाँ पर माइनस रख सकते हैं और फिर माइनस के एक की गुणा जब हम माइनस के एक की घात एन माइनस वन से कराएंगे तो यह इस प्रकार से होगा, माइनस का एक की घात एन माइनस वन और जिसमें हमें गुणा करानी है माइनस के एक से, तो इसकी भी घात मान लेते हैं कि एक है तो चूंकि आधार बराबर है माइनस का एक तो घातें जुड़ जाएंगी तो एन माइनस वन में यह घात जुड़ जाएगी प्लस की एक, तो एक एक कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा एन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस माइनस का एक की घात एन और इधर है माइनस का एनवा पद। अब यहाँ से एक एक कट जाएगा प्लस माइनस होने की वजह से, ठीक है। तो अब हमारे पास यह इतना और यह बचा है तो इन दोनों पदों में माइनस का एक की घात एन माइनस का एक की घात एन, तो हम यह कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम माइनस का एक की घात एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का एक, क्योंकि इतने को तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचा एक जो कि है माइनस का, तो माइनस का एक और माइनस, जब इसमें से यह कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का इतना बचेगा, तो जब हम यह माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का टू एन और माइनस माइनस प्लस का एक। तो अब यहाँ से एक और एक कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस एक की घात एन और माइनस का टू एन, चूंकि इधर चल रहा है 2sn तो खाली sn बराबर क्या हो जाएगा, जो यह दो है गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से दो और दो कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर तो देखिए दो दो तो कट गया तो बचेगा माइनस का n, तो माइनस का n और इंटू में इधर बचेगा माइनस एक की घात n और यही हो जाएगा हमारा आंसर।